फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खीर, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कटोरी साबूदाने ली हूँ। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे। इससे हमें 3 से 4 बार धो लेना है, जब तक कि मेरा पानी जो है क्लीन ना निकले तब तक हम इसे धोना है। साबूदानों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है, इसका पानी एकदम साफ हो गया है। साबूदाने को हमें पानी में भिगोकर 1 घंटे के लिए रखना है। पानी साबूदाने के 1/2 इंच ऊपर रहना चाहिए। साबूदाना हमारा जब तक फूल रहा है तब तक हम दूध गर्मा लेते हैं। यहाँ पर मैं 1 लीटर गाय का दूध ली हूँ। यहाँ पर यह फुल क्रीम दूध है, आप इसे दूध को गर्मा कर ही साबूदाने में डालें, नहीं तो कच्चा दूध डालने से साबूदाने के हमारे खीर जो है फट जाएंगी। साबूदाना हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में हमने 2 चम्मच घी डाल रखा है। घी हमारा गर्म हो रहा है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट को भून लेंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बादाम डाल रही हूँ। इसे हमें थोड़ी देर भून कर निकाल लेना है। बादाम हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम किशमिश डालकर भून लेंगे। अब हम घी को पूरी तरह से फैला लेंगे कढ़ाई में, ताकि हमारे जो साबूदाने हैं चिपके नहीं। अब इसमें हम साबूदाने को डालेंगे। साबूदाने को हमें लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लेना है। साबूदाने हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम उबला हुआ दूध डालेंगे। अब हम साबूदाने को मीडियम फ्लेम पर दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इससे आप लगातार चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर पर, ताकि साबूदाने जो है हमारी कढ़ाई में चिपके नहीं। ये देखिए हमारे साबूदाने जो है ऊपर तैरने लगे हैं, ये बिल्कुल चिपके नहीं हैं। अगर इस तरह से आप साबूदाने की खीर बनाएंगे तो आपके साबूदाने की खीर जो है चिपकी नहीं बनेगी, खिली खिली बनेगी। ये देखिए दाने जब तैर रहे हैं। अब इसे हमें दूध को गाढ़ा होने तक थोड़ी देर और पकाना है। अब यहीं पर हम 1/2 कटोरी चीनी डालेंगे। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। अब इसे हमें चीनी को घुलने तक और थोड़ी देर पकाना है। अब यहीं पर हम भुना हुआ ड्राई फ्रूट डालेंगे। हमें दूध को थोड़ी देर और गाढ़ा कर लेना है। खीर हमारी बनकर रेडी है। अब यहीं पर हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इससे खीर में जो है अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, ताकि हमारी खीर जो है ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी।
बनाने की दानेदार रबड़ीदार खीर बनकर तैयार है। आप इसे बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। आप इसे व्रत में बनाकर खा सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस रेसिपी का आनंद उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें न की रसोई।